हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एकदम स्पेशल मिठाई लेकर आई हूँ, जिसे लगता है कि इसे बनाना बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं कुछ स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स के साथ। और साथ ही इस रक्षाबंधन अपने भाई को या फिर किसी स्पेशल रिश्तेदार को ये गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 3/4 कप देसी घी और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। यहाँ मैंने फॉर्चून रिफाइंड ऑयल लिया है। वैसे तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो फ्लेवरलेस हो। और जब ये गर्म हो जाएगा तब इसे हम दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर देंगे। और उसके बाद हमें एक पैन में लेना है 1 कप बेसन। ये वही बारीक वाला बेसन है जिसे हम जनरली कढ़ी या पकौड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसे 3 से 4 मिनट एकदम कम आँच पर ही हमें रोस्ट करना है। और जब इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा और एक अच्छी खुशबू आने लगेगी, तो इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे। और उसी पैन में हमें लेना है 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी। इसे हमें 1 तार की चाशनी तक पकाना है, और यहीं से हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि आपको 1 कप बेसन, 1 कप चीनी और 1 कप घी, जिसमें हमने तेल भी मिक्स किया है, तीनों की मात्रा समान ही लेनी है। और 1 तार की चाशनी बनने में मात्र 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, तो गैस का फ्लेम एकदम कम ही रखकर इसे पकाएं। और जब आपको लगेगा कि चीनी मेल्ट हो गई है, तो इसे 2 फिंगर से टच करके देखें तो यह 1 तार बनना चाहिए। इस मैसूर पाक के लिए सबसे ज़रूरी हमारी चाशनी की कंसिस्टेंसी होना है। और अब जो बेसन हमने भून के रखा था, उसे धीरे धीरे एकदम कम फ्लेम पर ही इसमें डालकर मिक्स करते जाएंगे। और दूसरी ज़रूरी चीज़, जो दूसरे बर्नर पे हमने घी रखा है ना, उसे वापस फ्लेम को ऑन कर देना है ताकि वो एकदम गर्म हो जाए। और धीरे धीरे बेसन इसलिए भी हम डाल रहे हैं ताकि कोई लम्स ना रहे। और जब सारा बेसन इस चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो एकदम गर्म घी को धीरे धीरे इसमें हमें डालते जाना है, मिक्स करते जाना है। जब ऑयल और घी बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तभी हम दूसरा चम्मच घी का इसमें डालेंगे। और ध्यान रहे कि ये प्रोसेस करने पर आपको 7 से 8 बार ये स्टेप को दोहराना होगा, जिससे हमारा बेसन, घी, तेल, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो के बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी हो जाएगी, जो कि मैसूर पाक की कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रखें कि दोनों गैस लो फ्लेम पर ही रखें। और जब आपको लगे कि बेसन पैन से अलग होना शुरू हो गया है, तो लास्ट में इसमें हम एक बार घी और डालेंगे, मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम तुरंत बंद कर देंगे। ये देखिए, ये मिक्सचर पूरा पैन से अलग हो गया है। और इसके बाद का प्रोसेस हमें फटाफट करना है, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होना शुरू होगा, अपना शेप लेने लगेगा। तो मैंने मोल्ड पर पहले ही घी लगा के रखा था। इस पे हम पार्चमेंट पेपर डालकर तुरंत अपने बैटर को उसमें ट्रांसफ़र करके लाइटली इसे हम प्रेस करके शेप दे देंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इतना घी, मतलब 1/4 कप घी हमारा बच भी गया है। तो उसके बाद इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स और ड्राई रोज पेटल से गार्निश करके हल्का सा स्पैचुला से ही दबा दें, जिससे यह सेट हो जाएगा। और इसे थोड़ा गर्म में ही हमें काट लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो आप इसे काट नहीं पाएंगे। और आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। इसका मतलब यह है कि चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट बनी थी। यदि चाशनी कम पकती या ज़्यादा कड़ी हो जाती, तो दोनों ही कंडीशन में मैसूर पाक हमारा चूर चूर हो जाता, टूट जाता। और यह देखिए, बहुत ही आराम से आप इसके टुकड़े को अलग अलग निकाल सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट, यम्मी और एकदम मुंह में घुल जाने वाला हमारा मैसूर पाक बना है। ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यदि आप इसका प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो इसे किसी गोल्डन प्लेट पे कीजिए, जिससे इसका अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। और आप इसे मिठाई के डब्बे में भी किसी को भी गिफ्ट पैक करके दे सकते हैं। तो इस रक्षाबंधन की आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।